इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार पेट्रोल के दामों में तेजी आ रही है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल 90 रुपए लीटर के करीब पहुंच गया है। पेट्रोल के भाव इससे पहले कभी इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे थे, आज भी पेट्रोल प्रति लीटर 11 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल प्रति लीटर 88 रुपए 26 पैसे पर पहुंच गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, 18 अगस्त को भी पेट्रोल प्रति लीटर 16 पैसे महंगा हुआ था। डीजल फिलहाल प्रति लीटर 82 रुपए 62 पैसे पर थमा हुआ है, लेकिन पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा, लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। एक बार फिर से अब पेट्रोल 90 रुपए लीटर के करीब पहुंच गया है। पेट्रोल के भाव इससे पहले इस ऊंचाई पर कभी नहीं पहुंचे थे, आज भी पेट्रोल प्रति लीटर 11 पैसे महंगा हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पेट्रोल प्रति लीटर 88 रुपए 26 पैसे पहुंच गया है। 18 अगस्त को भी पेट्रोल प्रति लीटर 16 पैसे महंगा हुआ था। डीजल की अगर बात करें तो फिलहाल 82 रुपए 62 पैसे पर डीजल थमा हुआ है, लेकिन पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार बढ़ोतरी पेट्रोल के दामों में दर्ज की जा रही है। अब 90 रुपए करीब पेट्रोल पहुंच चुका है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके, देखिए लगातार जिस तरीके से क्रूड ऑयल सस्ता होता जा रहा है, पेट्रोल के भाव में लगातार तेजी आ रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है? मनीषा, ये पेट्रोलियम कंपनियों का एक तरह से कह सकते हैं स्मार्ट मूव है जी, मतलब रुक रुक के थोड़ा थोड़ा कीमतों में इजाफा करना। एक तरह से ये एक बार डीजल का कुछ दिन तक, ये डीजल के पेट्रोल पिछले दिनों डीजल के जो भाव हैं वो लगातार उन्होंने बढ़ाए, उसके बाद में डीजल को अभी स्थिर है उसके भाव, अब पेट्रोल को आगे बढ़ाया जा रहा है कीमतों में जी। तो ये इस तरह से कि इसका बड़ा हंगामा ना हो, ये कोशिश की जा रही है, लेकिन हंगामा हो या ना हो, लेकिन उपभोक्ताओं के ऊपर बाहर लगातार बढ़ता जा रहा है पेट्रोलियम कंपनियों का। और ऐसे माहौल में जब सारा आवाम कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे उसमें केवल अपना मुनाफा कमाने के लिए कंपनियां लगातार दाम बढ़ाती जा रही है पेट्रोल और डीजल के, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेट्रोलियम कंपनियां सरकार के अधीन है, सरकारी कंपनियां हैं और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो इसमें सरकार की मंशा है, सरकार की स्वीकृति है, उसके बाद ही पेट्रोलियम के पेट्रोल प्रोडक्टों के दाम बढ़ते हैं। तो ऐसे में ये सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि सरकार को ऐसे समय में जब लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि ऐसे समय में सरकार की ओर से कुछ राहत की घोषणाएं हों, क्योंकि लोगों के रोजगार और व्यवसाय बहुत ज्यादा प्रभावित है कोरोना के कारण, ऐसे में ये दाम बढ़ाना बहुत ही चिंता का विषय है। और लगातार दाम बढ़ाना अगर पिछले 2-3 महीनों में देखा जाए तो करीब करीब 20 रुपए के करीब पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में प्रति हुआ है, जो एक भारी भरकम भार है उपभोक्ताओं के ऊपर। मनीषा जी, बीके, देखिए आम जनता तो त्रस्त है ही, आक्रोश भी है, क्योंकि इस तरीके से अगर ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तो कहीं ना कहीं और ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा मार आम लोगों को इसकी पड़ रही है। जी हाँ मनीषा, अगर विपक्ष की ओर से बात करें तो कांग्रेस ने कुछ समय के लिए बीच में ये मुद्दा उठाया था और सरकार को घेरने की कोशिश की थी, अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में भी आंदोलन हुए थे, लेकिन ये कुछ समय के बाद ये भी थम गया, यानी कि उनकी भी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें शायद नहीं है, और इसको लेकर आम उपभोक्ताओं के ऊपर जब विपक्ष जब कोई आवाज उठाता है, मुद्दे बनाता है, तो आम लोग भी जुड़ते हैं, यदि आम उपभोक्ताओं से, आम लोगों से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, लेकिन फिलहाल पक्ष और विपक्ष दोनों का ध्यान नहीं है और आम उपभोक्ताओं के ये मुश्किल की घड़ी है, मुश्किल हालात है। बिल्कुल। और ये पेट्रोल डीजल क्योंकि आम जरूरत की चीज है, रोजाना इसके लिए लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है, तो ये एक भारी, ये इसकी चिंता का विषय है मनीषा। बिल्कुल बीके, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए पेट्रोल की दरों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, 88 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर पर पेट्रोल अब पहुंच गया है। 18 अगस्त को इससे पहले 16 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था पेट्रोल, और एक बार फिर से इजाफा हुआ है। डीजल हालांकि 82 रुपए 62 पैसे पर फिलहाल थमा हुआ है।